नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गौड़। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ने, बहुत अच्छा पढ़ा। और इतने वरिष्ठ कवि के बाद मुझ जैसे नौजवान को पढ़ना, मैं देश के हालत पे अभी चार मिसरे उन्होंने ब्याह किया, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। आज देश के हालात क्या है, मैं चार चार पंक्तियों से आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कि सकुनी वाले पासों की फिर चाल कहीं न चल जाए, कि सकुनी वाले पासों की फिर चाल कहीं न चल जाए, सियासी लोगों की काली दाल कहीं न गल जाए। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जैन हूँ, इस जाति धर्म के चक्कर में हिंदुस्तान कहीं न जाए, इस जाति धर्म के चक्कर में हिंदुस्तान कहीं न जाए। और आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि ना दिवाली में अली दिखता, ना राम दिखता रमजान में, ना पूजा में रब दिखता, ना अल्लाह दिखता आजान में। और गंगा जमुनी तहजीब आखिर होती कैसी है, किसी को देखना है तो देख ले मेरे जलते हिंदुस्तान, किसी को देखना है तो देख ले मेरे जलते हिंदुस्तान। और राजनीति किस कदर गिर चुकी है कि हिंदू मुसलमान को भड़काया जा रहा है, मजहबी आग इस कदर लगाया जा रहा है, और स्वार्थ की सियासी रोटी सेकने हेतु अब नौजवानों को मोहरा बनाया जा रहा है। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ कि सच्चा प्रेम करो वतन से, दो जिस्म एक जान बनो, किसी मजहब के न पंडित न इमाम बनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो बनना है बनो, किंतु सबसे पहले तुम गौरवशाली हिंदुस्तान में, किंतु सबसे पहले तुम गौरवशाली हिंदुस्तान में। आज सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं, मैं चार पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ कि ना हिंदू न मुसलमान के लिए निकले, न गीता न कुरान के लिए निकले, ए मेरे मालिक मेरे मुल्क पे बस इतनी अता फरमा, हर कोई फकत हिंदुस्तान के लिए। कि मन में अल्लाह राम यीशु या कोई रब नहीं होता, कि मन में अल्लाह राम यीशु या कोई रब नहीं होता, गरीबों के दुख दर्द से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, फूट डालो और राज करो यही नीति इनकी है, सियासी लोगों का साहब कोई मजहब नहीं। कि गरीब मजलूमों की पीर जहां दफन हो गई है, सराफत की चुनरी बेपर्दा बेतन हो गई है, जहां अपने ही अपनों को छलते हैं यारो, सियासत ये इतनी बदचलन हो गई है। और शहीदों ने जो जिस भारत की कल्पना की थी, मैं दो पंक्तियां बस पढ़ता हूं कि रहे सलामत वतन हमारा जिनका ये अरमान था, कि रहे सलामत वतन हमारा जिनका ये अरमान था, फांसी के फंदों तक दिल में सिर्फ जिंदा हिंदुस्तान था, फांसी के फंदों तक दिल में सिर्फ जिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद।